हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी देख रहे थे, हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 1940 41 42 तक हम लोगों ने किया। अभी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद महात्मा गांधी का यह सबसे बड़ा तीसरा यह आंदोलन हो जाता है। इसमें हम लोग देखेंगे कहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये टॉपिक हो जाता है जिसका प्रस्ताव नेहरू के द्वारा रखा गया, जिसका जो प्रस्ताव है नेहरू के द्वारा रखा गया, याद रखिएगा। और ये पहला समर्थन किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह समर्थन किए थे। यह प्रस्ताव वर्धा आश्रम में लाया गया पूछा जा सकता है, इसलिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्धा आश्रम में इस प्रस्ताव को लाया गया, आपसे पूछा जा सकता है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, है ना, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय लिन लिथगो हो जाते हैं, लिन लिथगो। और 1942 में अगर यहाँ पे देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रही है, है ना, 39 से 45 तक। और इस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है विंस्टन चर्चिल। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये विंस्टन चर्चिल हो जाते हैं। और उस समय 1942 में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हो रही थी उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम हो जाते हैं, है ना। और 1942 में जो पत्रकार है, पत्रकार जो कवरेज ले रहा होता है उसका नाम है लुई फिशर। और यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, लुई फिशर के बारे में बहुत बार पूछा गया सवाल है। यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के जो विरोध किया उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो जाएगा, आरएसएस बोलते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया जाता है और यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध किया जाता है। इस समय हम लोग देखते हैं 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, है ना, उस समय बहुत सारे नेताओं को नज़रबंद कर लिया गया। बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय जो नेता थे जिनको गिरफ्तार करके अलग अलग जगहों पे रखा गया। और यहाँ से सवाल पूछा जाता है पीटी में, जैसे महात्मा गांधी को कहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे देखिए आगा खा पैलेस में इनको नज़रबंद करके रखा गया। और यह आगा खा पैलेस जो है पूना में होता है। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किला में बंद कर दिया गया। और जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल में इनको डाल दिया गया। और बाद में अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ दीपावली का वो दिन होता है और उसी दिन फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद वो आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया जाता है। ये सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए गांधी का अनशन का जो नाम है ना, इस समय गांधी का अनशन का जो नाम है उसको रुबिकिन कहा जाता है, रुबिकिन। ये देखिए लिथगो जो है, लिथगो ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक फिरौती कहा, पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। किसने भारत छोड़ो आंदोलन को एक फिरौती कहा, ये हो जाते हैं वायसराय थे जो भारत में उस समय 1942 में, जिनका नाम है लिन लिथगो। यहाँ पे हम लोग देखेंगे गांधी ने इस आंदोलन में कहा अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। 1942 की जो आंदोलन था महात्मा गांधी का, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें इन्होंने कहा अंतिम सांस तक लड़ाई होगी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो शब्द है यह सबसे पहले मेहर अली के द्वारा कहा गया, मेहर अली के द्वारा, याद रखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत छोड़ो जो शब्द है ना, यह मेहर अली के द्वारा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं रेत से भी कांग्रेस बना दूंगा, पूछा जा सकता है कि मैं रेत से भी कांग्रेस बना दूंगा, यह कथन किसका है,
महात्मा गांधी का हो जाता है। करो या मरो का जो नारा है किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया। मारो नहीं मरो नहीं मारो, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है। मरो नहीं मारो, यह जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। यहाँ करो या मरो जो है महात्मा गांधी ने दिया, है ना, मरो नहीं मारो ये जो है लाल बहादुर शास्त्री का हो जाता है, है ना, अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें। यहाँ पे पूछा जाता है कि उस समय रेडियो का सेंटर मुंबई में था, उस समय रेडियो का जो सेंटर था मुंबई में था, और रेडियो से नेतृत्व कौन कर रहे थे, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, तो राम मनोहर लोहिया हो जाते हैं और उषा मेहता हो जाती हैं, जो लोग है ना ये लोग रेडियो से प्रसारण कर रहे थे, और भारत छोड़ो आंदोलन जो था इसको बहुत ही ज़्यादा मजबूत आधार बना रहे थे। इस आंदोलन में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की मृत्यु हो जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। पूरी दुनिया हम जीत रहे हैं, इस बुढ़े व्यक्ति के सामने नहीं झुकेंगे, है ना, किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने ये बात कहा था कि पूरी दुनिया हम जीत रहे हैं, इस बुढ़े व्यक्ति के सामने नहीं झुकेंगे, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, है ना। गांधी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अरुणा आशफ अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है, है ना, अरुणा आशफ अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1946 में, 1944 जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला आता है, पूछा जा सकता है कि 1900 ये भी पूछा जा सकता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया, 1944 में हो जाएगा, है ना। और उद्देश्य की बात करें यहाँ पे तो जीना और नेहरू समझौता हो जाता है जो पूरी तरह विफल हो गया, है ना। 1945 में एक साल के बाद शिमला सम्मेलन होता है और बेबेल सम्मेलन भी होता है, और यह दोनों का दोनों जो सम्मेलन है, ये दोनों का दोनों सम्मेलन क्या हो जाता है, विफल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत आया, है ना, यहाँ से सवाल बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है, यहाँ से सवाल बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है। अगर आप ये जो एपिसोड हमारा है पूरे मॉडर्न इंडिया का, अगर आप इसे देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बीपीएससी टीचर में इधर से उधर नहीं होने वाला, इसकी गारंटी है कि कंफर्म एकदम 100% आप प्रश्न बनाएंगे तो बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन जब भारत आया ये 1946 में, तो इसमें 3 सदस्य थे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, है ना, ये हो जाते हैं इसके सदस्य ए वी अलेक्जेंडर, फैंथिंक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं, और एक सदस्य और भी है जिसका नाम है एस्टफोर्ड क्रिप्स। हालांकि ये दूसरे बार भारत आता है, है ना, पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन भारत जब आया तो उसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य हो जाते हैं, है ना, ए वी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और क्रिप्स हो जाते हैं। 16 अगस्त 1946 को याद रखिएगा आप, 16 अगस्त 1946 को बांग्लादेश के नोआखली में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाती है, पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो नोआखली में, नोआखली कहाँ, बांग्लादेश में, कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 को, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1947, है ना, 20 फरवरी 1947 को लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि जून 1948 तक भारत को क्या कर देंगे, हम आज़ाद कर देंगे, 20 फरवरी 1947 को, है ना, लेबर पार्टी जब आई उसके प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली, और इन्होंने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो जून 1948 तक हम भारत को आज़ाद कर देंगे। 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान या बालकन प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, पूछा जा सकता है किस प्लान के तहत भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया, बांटा गया, इसको माउंट बेटन प्लान कहें या बालकन प्लान कहें। यह प्लान 3 जून 1947 को आया जिसके तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, है ना, कहा जाता है जिस पर 133 लोगों ने क्या किया, हस्ताक्षर किया था, जिस पर 133 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं।
15 अगस्त 1947 को हमारा जो देश है आज़ाद हुआ, उस समय भारत के वायसराय जो है माउंटबेटन थे, और उस समय जो अध्यक्ष थे यहाँ के जेगबी कृपलानी हो जाते हैं, और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है क्लिमेंट एटली, और उस समय जो राजा थे उनका नाम था जॉर्ज सस्टम, और पार्टी जो जीती हुई थी जिसके प्रधानमंत्री क्लिमेंट एटली बने थे लेबर पार्टी थी। राष्ट्र की शान जो है ऐसे सुबु लक्ष्मी हो जाते हैं, है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारा चीज़ें। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला है कि संगीत के क्षेत्र में चार लोगों को मिला भारत रत्न, है ना। 1999 में पंडित रविशंकर को मिला, है ना, और ये जो बिस्मिल्ला खान है सहनाई के क्षेत्र में इनको मिला, ये बक्सर डुमराव के रहने वाले हैं, इनको 2006 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को 2001 में किया गया, और एस एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में किया गया, है ना। आज़ादी के समय जो गांधी थे, पूछा जाता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब हमारा देश आज़ाद हो गया 47 में, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, है ना। और ये हो जाते हैं कोलकाता में, गांधी जी ने कहा कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। यह सवाल पूछा जा सकता है, किसने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, है ना। यहाँ देखते हैं मोहम्मद अली जीना के बारे में, तो मोहम्मद अली जीना को कायदे आजम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और पाकिस्तान के गांधी के नाम से भी जानते हैं, है ना। मोहम्मद अली जीना को कायदे आजम के नाम से भी जानते हैं, और पाकिस्तान के गांधी के रूप में हम लोग जानते हैं। इनका कथन है बांटो और जाओ, है ना। इनके गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के भी गुरु थे। इनकी जो मृत्यु हो गई टीबी के कारण हो जाता है, और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1948 को हो जाता है, है ना। जीना टावर की बात करें तो ये गंटूर में है, हैदराबाद में। और आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद अली जीना को गांधी ने महान नेता कहा। विभाजन रोकने के लिए गांधी ने जीना को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया था, है ना। आगे हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जो सरकार बनी जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग अलग से एपिसोड करेंगे, ताकि वहाँ पे अच्छा से हम लोग कर पाए, है ना। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, प्रथम जो कैबिनेट बना उसमें कौन मंत्री कौन था, है ना। यहाँ से निश्चित तौर पे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है, यहाँ पे समाप्त तो होता है, अभी बहुत सारा चीज़ें हैं जो हमें देखना है मॉडर्न इंडिया में, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा है ना। रिवाइज करिए आप लोग अच्छे से, ठीक है, और एक बार ज़रूर इस सेशन को आगे बढ़ाइए, आप अपने साथियों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथी संगिनियों के बीच में इसे ज़रूर एक बार शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।